हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञस्य देव मृत्विजम् होतारम् रत्नधातमम्। मंगलाचरण पूर्वक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आज प्रातः काल में हमने यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास और यज्ञ पूर्वक योग करने से क्या विशेष लाभ होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कुछ छोटे छोटे बिंदु थे उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया था। अभी हम दोबारा फिर से इस अनुष्ठान को, यज्ञ को, अग्निहोत्र को हम अपने हाथों से करेंगे और यज्ञ पूर्वक फिर थोड़ी देर के लिए आप सब लोगों के साथ यज्ञ की महत्वपूर्ण जानकारी या जीवन शैली के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ करें। पहले जैसे हमने तीन बार ओमकार का उच्चारण किया, ऐसे तीन बार ओमकार का उच्चारण करके हम क्या करते हैं, मंगलाचरण। क्या करते हैं? हाँ, मंगलाचरण करने के बाद पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लेते हैं और फिर मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मै श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब अवशिष्ट जल को ऐसे हाथ धो लेते हैं, ऐसे हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। छोटी सी कटोरी रखते हैं, उसमें अवशिष्ट जल को डालते हैं। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, दाबा हाथ मां जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। और वाङ्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम
अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, शरीर के सभी अवयवों के ऊपर अंगों पर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न किया। अब हम विशेष यज्ञ, एक होता है चिकित्सा यज्ञ जिसको भेषज्य यज्ञ कहते हैं, एक होता है देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, प्रकृति के पोषण के लिए विशेष होता है। इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। शास्त्रों में 21 प्रकार के विशेष यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। लेकिन हम जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो कौन से यज्ञ हैं? चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ। देव माने क्या? दानाथ देव, जो हमें हमेशा देते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चांद, ये सब हमें दे रहे हैं ना, लेकिन हम उनको क्या देते हैं? कुछ नहीं। तो उनको देने के लिए, उनके पूजन के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके संवर्धन के लिए यज्ञ करने के लिए कहा शास्त्र में। क्या करने के लिए कहा? अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि जो होती है वो इन देवताओं का मुख कहा गया। क्या कहा गया? देवताओं का मुख है। और इस यज्ञाग्नि में हम जो आहुतियां प्रदान करते हैं वो उन देवी शक्तियों को पहुंचता है। हम अभी घर में पूजा पाठ आदि करते हैं तो क्या करते हैं? अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं और भगवान के सामने धर करके फिर उसको कौन खा जाते हैं? खुद खा जाते हैं। हमने वो देवताओं को नहीं खिलाया। देवताओं को खिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? अग्निर्वय देवा नाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अग्नि में आहुत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अग्नि में भी आहुत करते हैं। अपने घरों में ही पहले आप देखिए, छोटे से आग जला करके गुड़ और पके हुए चावल को मिक्स करके आहुति देते हैं। वैसे ही अलग अलग गुग्गुल है, लोभान है, ऐसा करते। आज हम उसको भूल गए। और हम प्राचीन जितने भी ग्रंथों में जाएं, वेद, उपनिषद, दर्शन, कहीं पर भी आप हमारे जो मूल ग्रंथ है, हमारा मूल तो वेद है ना, आप सब जगह पे देखेंगे तो सब जगह पर देव पूजन यज्ञ के माध्यम से करने के लिए कहा है। आज हम जिस पद्धति से, जिस प्रक्रिया से करते हैं ना, हमें कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि हम इस प्रकार से करें। लेकिन यज्ञ में आहुति दे करके करने का सब जगह पे विधान है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरुस्तम। जो ये यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और नायम लोको यज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और तृतीय अध्याय में कहा, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वघं पापाये पचन्ति आत्म कारण। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप भोजन को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से छूट जाता है। और भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारण, जो अपने लिए केवल पकाता है और बिना यज्ञ से भोजन करता है वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है। ऐसे कठोर शब्दों में भी कहा। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये तीनों कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं, तो ये तीनों कर्मों का त्याग नहीं करते। और अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगह पे, सब जगह पे यज्ञ में। और एक और जब हम यज्ञ करते हैं तो जैसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति बता दिया, ऐसे यथेह क्षुधिता बाला मातरम परि उपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख से पीड़ित बालक, भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माता के पास जाते, अपनी माँ की गोदी में जाते हैं और निश्चित रूप से भुभुक्षा रूपी दुख से निवृत्ति पाते हैं, नहीं पाते? एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले अनेक प्रकार से दोषों से, दुखों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में। वेद में बताएं, होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जिस घर में, जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर पवित्र हो जाता है, वहां पर शांति रहती है, वहां पर धन धान्य ऐश्वर्य रहता है। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन, प्रजा पशु ब्रह्म तेज उस घर के अंदर आता है। तो ऐसे ये जो यज्ञ होता है वो सामान्य नहीं होता। मानी एक और यज्ञ करते हैं तो लाभ ही लाभ बताएं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हृद्ददायन तन्नयन्ते ताहा सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको अधिय। मानी जो व्यक्ति सही समय पर यज्ञाग्नि में आहुतियां दे करके यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है वो
आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के देवा नाम पति रे को दे, देवताओं का पति स्वामी जो ईश्वर है उसका साक्षात्कार करा देता है। और अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आप्ति कहा, मान ये जो छोटा सा हवन करते हैं ना अग्निहोत्र, इसको जरा मर्य सत्र कहा। क्या कहा? मानी जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक, हम जब बिल्कुल असक्त ना हो जाएं तब तक इसको त्यागने के लिए नहीं कहा। और जो इस नियम पूर्वक यज्ञ करता है अश्वमेघस्य आप्ति, वेद में बताया अश्वमेघ याग, आप सब लोगों ने सुना ना, राजा भी नहीं कर पाते, जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना वो उस याग को करने के अधिकारी होते हैं, और वो भी कई सारी उनकी योग्यता हो तब, और उसका जो लाभ होता है वो लाभ इस अग्निहोत्र को जो नियमित रूप से करता है वो लाभ उठा लेता है, वो लाभ इनको मिल जाता है, अश्वमेघ यज्ञ का लाभ होता है। और ये सबसे बड़ा पुण्य का साधन है। सुबह में बताया था ना हमें जाति आयु और भोग किस माध्यम से मिलते हैं, हमारे पूर्व जन्म में कृत पुण्य पुण्य कर्म के आधार पर। जाति मानी मनुष्य, कीट पतंग पशु पक्षी किस जाति में, अब मनुष्य में तो आ गए, अब आयु एक बाल्यावस्था में, एक वृद्धावस्था में, एक युवावस्था में हमारी कितनी आयु हो, अब आयु भी मिल गई, उसके बाद भोग, उसमें मिलने वाली सुख सुविधाएं, कुल खानदान यशस्वी हो या कैसे ज्ञानी माता पिता हो कैसा हो, ये सारी चीज मिलती है ना। एक व्यक्ति को हम देखें तो पूरे जीवन भर संघर्ष कर रहा है, तप कर रहा है और गरीबी से लेकर के अनेक प्रकार के संघर्षों से जूझ रहा होता है, और एक व्यक्ति को देखे तो छींक आ जाए तब भी 10 डॉक्टर लोग खड़े होते हैं। वो किसके आधार पे होता है सारी चीजें? हमारे द्वारा कृत पुण्य पुण्य कर्मों के आधार पे जाति आयु और भोग हमें मिलते हैं। और मनुष्य जीवन में पुण्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन कोई है तो वो यज्ञ है, सबसे बड़ा साधन। इसलिए तो इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो क्या है? यज्ञ है। और इस यज्ञ को करने से आध्यात्मिक रूप से देखे तब भी अथाह लाभ है, और नहीं करने पर जैसे कहा ना यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजतेतु त्वगम पापये पचन्ति आत्मकारण। बिना यज्ञ के भोजन करने वाला पापी है, पाप का भोग करता है। और मनुस्मृति में कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है, और वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताए स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहानितानि। जिस घर में यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर श्मशान के तुल्य होते, इतने कठोर शब्दों में भी। एक और करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति बता दी, एक और करने पर समस्त प्रकार के दुख। येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक आधिदेविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्। एक और संपूर्ण विश्व का कल्याण और आध्यात्मिक आधिदेविक आदि भौतिक, अपने जीवन में आने वाले जितने भी दुख होते हैं उनको तीन कैटेगरी में बांधा गया है, और वो सभी प्रकार के जो जीवन में आने वाले दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक और नहीं करने पर वो श्वास लेता हुआ भी नहीं ले रहे हैं, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है, वो घर जिसमें यज्ञ नहीं होता है वो श्मशान के तुल्य है। कितने कठोर शब्दों में एक और कहा, और एक और करने पर कितने कितने सारे लाभ। और ये होता कितना है? छोटा सा हवन होता है। और अश्वमेघ यज्ञ का जो लाभ होता है वो भी हम प्राप्त कर लेते हैं। ये सारे शास्त्रीय बातें, लेकिन हम भौतिक रूप से देखें तो भौतिक रूप से भी इसके अथाह और अनंत लाभ है। आप में से सुबह में कितने लोग थे? आप में से कौन बताएंगे सुबह में क्या बताया था? वायु प्रदूषण का शोधन होना बताया था, वायु प्रदूषण से हमारा बचाव होता है, एथिलीन ऑक्साइड प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती है वायु के अंदर, पहले ही गैसें होती है, दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उसके परिणाम स्वरूप जो SOX NOX आदि जो हानिकारक पोल्यूटेंट गैसें होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। बताया था एक लाभ, और दूसरा लाभ हाँ माता जी ने जो रेडिएशन बताया, दो प्रकार के रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक एटॉमिक रेडिएशन। दोनों प्रकार के रेडिएशन यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आ जाते हैं तो उससे दोनों प्रकार के रेडिएशन दूर होते हैं, रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। और धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कणों का कुछ बताया था हाँ, दो प्रकार के कण जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित और
ऋण आवेशित, धन आवेशित, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण होता है, वहां पे विशेष रूप से वायुमंडल के अंदर बढ़े हुए होते हैं। उसमें रहते तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा चेंज होने के कारण हमारी बॉडी एसिटिक, अम्लीय बनती है और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जो स्वाभाविक रूप से जहां झरने हैं, तालाब है, नदी है, समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, तो वहां पे स्वाभाविक रूप से वो बढ़े हुए मिलते हैं। उसमें रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, उसके साथ साथ हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, अल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई रोग होते नहीं। अब ये जो पार्टिकल है, जहां पर हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, वहां की एयर में कितने पाए जाते हैं, बताया था 200 से 400 प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर, कितने प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है जो घना जंगल हो और वहां पाया जाए। मानिए अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ करके हम जंगल जैसा वायुमंडल का अपने घर के अंदर आनंद ले सकते हैं, अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना सकते हैं, अपने हार्मोन्स को गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से हम बच सकते हैं। इससे अतिरिक्त और भी तो लाभ बताए थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बताया था कुछ, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जिसके कारण कितने लोग मर जाते हैं, 2.25 करोड़ लोग, ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है, पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण, और हजारों करोड़ की दवाई खाने के बाद की बात है, ये जो बच गए वो अलग बात है। और हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र के अंदर एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और वो धूम्र जब हम उनको देते हैं तो ये जो 2.25 करोड़ लोग जो मर जाते हैं, उसके लिए कारणभूत जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, वो नष्ट हो जाते, दूर हो जाते। मान इतना छोटा सा हवन कर लो तो अपने पूरे परिवार को और सबको हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचा सकते हैं, और लोगों के घर में पहुंचा दे 11 आहुति का हवन तो 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं। कितने, ये इतनी बड़ी चीज है। और भी कुछ चीजें बताई थी, जैसे योग किया तो किसका लाभ होगा, घर में जो उठ करके आए उसका लाभ होगा, लेकिन हमने घर में यज्ञ कर दिया तो जो सो रहा है वो भी श्वास ले रहा है, वो भी मंत्र का पाठ सुनेगा, उनको भी सारा लाभ है, और उनको ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब लोगों को, प्रकृति के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है, ये भी बताया था। और हमारा सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है, उसके विषय में कौन बताएगा, क्या बताया था, हम जिस जीवन को जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा और एनर्जी हमें चाहिए ना, एनर्जी से हम चलते हैं, वो एनर्जी हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं, आहार से, किससे करते हैं, आहार से, और वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं, 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 रूपों में ही धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं, और इन 3 रूपों में हम ये आहार लेते हैं, ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। अब ये जो 3 रूपों में आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा लेते हैं, वायु। हम 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं, 2 बार 3 बार, पानी, दूध, जूस आदि, द्रव रूप आहार 10 बार 15 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन वायु रूप आहार एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हर एक सेकेंड इस वायु रूप आहार को हम ले रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी कोई होता है तो वो हम भोजन, रोटी दाल आदि छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीने जीवित, पानी दूध जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित, लेकिन हम वायु छोड़ दे तो, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रहते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, और हमारे लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आहार होता है तो क्या होता है, वायु रूप आहार होता है। और इस वायु रूप आहार का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ है।
हवन है, अग्निहोत्र है। अभी हम राजकोट में एक लोक विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ पे सारे साइंटिस्ट डॉक्टर ऐसे लोग थे, तो उनके बीच में कार्यक्रम रखा था। तो उसमें एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि आप ये सारी चीज़ जलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतना गरीबों को बांट दे, जिनको खाने को ही नहीं मिलता है तो उनको बांट दे, सच्ची बात है। लेकिन हम साइंस की दृष्टि से देखें तो आप जितना घी खा करके लाभ उठा सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा, उतना ही घी को आप मालिश कर दे गर्म करके तो उससे कई गुना ज़्यादा लाभ होता है। उसी घी को आप जला दे तो उससे भी कई गुना ज्यादा लाभ होता है। सुबह मैंने बताया था ना, गाय का घी जलाते हैं तो कितना गुना बढ़ जाता है, 1864 गुना। वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इतना गुना बढ़ जाता है, और उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती है। जिस प्रकार पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, ऐसे ये फोटोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है, इसको ऑक्सीजन हमें मिलती है। और प्लस उसको जब एनालाइज करके देखे तो कई सारे उस यज्ञ के धूम्र के अंदर फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम बीमार होने पर अलग अलग दवाइयों को खाते हैं, और उसके अंदर जो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक साथ मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। हम खा करके लेते हैं, दिन में 2-3 बार खाते हैं, लेकिन वायु हम 24 घंटा लेते हैं, इसलिए इसमें आहुति दी, हम वो मेडिकेटेड एयर हो गई, उसमें 24 घंटे श्वास लेते हैं, तो वो निरंतर हमारे भीतर जाती हैं, और जो दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और वेद में भी बताए, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योर अंतिकम नित एव तमा हरामी अस्पार्श्वमेनम सत साधे, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंच गया है या उनकी आयु क्षीण हो गई, उस तमा हरा में उसको भी मैं बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की आयु देता हूं, इसे यज्ञ के माध्यम से कहा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम् तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। हमारा समस्या था साइनस, जिसको अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं, तो इसको हम कई जगह दिखाए, जैसे अपने गांव से निकल करके दिल्ली गए, दिल्ली में एम्स में दिखाए, उस दिखाने के बाद राम मनोहर लोहिया में भी दिखाए, उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भी दिखाए। वहाँ पे जब हम दवा चलाने के बाद वो स्प्रे किए, सब किए, लेकिन इस बीमारी में हम नाक का बीमारी बढ़ चुका था, एक स्वर बंद रहता था, जो सूर्य स्वर कहते हैं दाहिना नाक, वो बंद था, तो बंद होने का कारण तो मालूम चल गया। अब दवा चलाने के बाद भी वो बीमारी में कोई असर नहीं, जब तक चलाते थे तब तक ठीक था। एक दवा है 25 सेकंड में 2 बूंद डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये रहा, लगातार डाले तो आदि हो गए, अब उससे भी नहीं खुल रहा था। अब उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए, एक सरकारी अस्पताल है सिविल अस्पताल जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे दिखाए तो वहाँ एक मेम करके थी, उसने बोली कि बेटे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में भी जाने, वो बोली कि छोटी ऑपरेशन है, तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल है उसमें गए, बोले कि ऑपरेशन अब करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाने के बाद कई सारे मरीजों से पूछताछ किए, तो एक मरीज ने बोला कि हम ये दोबारा ऑपरेशन कराने आए हैं,
यानी कि उसको एक बार कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फिर से ये बीमारी हो चुका है। और सारे व्यक्ति से मिले तो एक बोले कि 3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं। कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से वो मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक होगा। तो हम पूछे कि भाई एक तो ये यहाँ पर 3 बार आई हुई है, तो ऑपरेशन थिएटर के पास तक गए, वहाँ से वापस आ गए, बोले कि ना अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर अब अंतिम में सोचे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, योग प्राणायाम करेंगे, कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो रास्ते में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से हमें बातचीत हुआ, तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना वो दिखाए ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतने लोगों को ठीक कर दिए। तो उसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफ़ी प्रभाव रहा, अंदर से लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम भी तैयार हुए और यज्ञ का जो जो सामग्री बताए उसको हमने प्रतिदिन करना चालू कर दिए। तो जब चालू किए तो देखे कि 4-5 दिन जब उसका गर्म जब उसका वो ताप लग रहा था, जो धा बोलते हैं, वो लगने के बाद वो नाक को देखे कि खोल दिया, उसको ढीला किया तो हमें राहत मिला। राहत मिला उस दिन रात को खूब अच्छे नींद में, एकदम मतलब कहा जाए तो मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए। तब लगा कि हाँ कुछ तो है यज्ञ में, तो कुछ तो है। तो हमने लगातार यज्ञ करना स्टार्ट किया और यज्ञ करने का ये परिणाम रहा कि आज जो हमारा बीमारी है 100% ठीक हो चुका है। और एक मात्र हम ये परिणाम कितने दिन का है, 3 माह का। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।